श्रवलिदान भूल सांचे दरबार की जय। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न तुम्हे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ सप्तशलोके दुर्ग शिव उवाच देवे त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायने कलहिकाय सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवेव स्नेहेन प्रम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्याधेवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामभिचेतांसि देवे भगवती सा बलाधाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरिषभीतिमहे सजन्तुः स्वस्तिः स्मृता मतिमतेः शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणीका त्वदन्या सर्वाभकारकरणाय सदा धृजत्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते द्वयवस्वाहिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषानवहंसदुष्टा वृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशोणं त्रैलोक्यशाकिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गास्तोत्र शतनामः स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम भवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भाविने भाभ्या भव्या भव्या सुधा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनि अवर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनि अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी
वन दुर्गा च मातंगे मतंगा मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलाकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुंभ शुंभ हरिणे महिषासुर मर्दिनी मधुकेटमहंत्रे च चंडमुंडा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शास्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च किशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता फलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तवश्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवधूती करारी च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रवहे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवं नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चाञ्जय लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजय परया भक्त्या पठे नाम सदाशिवं तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरभरे रवि राजानो दासतां यन्ते राज्यं स्वयमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुमकुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलेखयन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते मुरारिः भोमाभाषा निशामग्रे चन्द्रे शतमिषां गते विलिख्य प्रभवे स्तोत्रं स भवेत् सङ्क्रधा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान है आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों के प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है
धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनके कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजन्य के आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य है कवच ओम अस्य श्री चंडे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टव छंदः चामुंडा देवता कंजना शस्त्र मातर बीज दिगबंध देवता सत्व श्री जगदम्बा इत्यर्थे सप्तशति पाठान्यत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमावलोक्य सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणैश्वा महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि यानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विश्वे दुर्गमे चैव भयासः शरणं कृताः। नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कले नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येष्टु भक्त्या श्रुता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सवन्ति देवेशे रक्षते तान्न संशयः। वेदसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी ऋषवाहना ब्राह्मी हंसतमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलङ्गमुसलायुधं खेटकं दोमरं देव परशुं भाषमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमत्तमम् दैत्याणां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीथं देवानां हिताय वै नमस्यस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने ताहि मां देवे दुष्पेक्षे शत्रूणामयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निजयवता दक्षिणया तु वाराहि नैरृत्यां खड्गधारिणि प्रति चाभारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उधि चाम्बातु कौमारि वैशान्यशूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष तदस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दर्शो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे चाकृतः पातु विजयः पातु पृष्ठतः अलिगाभाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदने रक्ष उमामौर्धे व्यवस्थिता बालाधरे ललाटे च भ्रुवौ रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुरोर्मध्ये श्रोत्रोर्धारवासिने कमलौकारिका रक्ष कर्णमौले तुषाङ्गले नासिकया सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्जिका
अधे जानतकलायुभायाञ्चरस्वती दन्तारक्षतु कौमारी कण्ठदेशेतु चण्डिका घण्टिकां चित्रकण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षे चुमुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवर्षे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकाण्डलकोभरे स्कन्द्योः खर्गुणे रक्ष बाहु मे वज्रधारिणे हस्त्यो दण्डने रक्ष दम्भिका चाङ्गलेषु च नखाशूलेश्वरी रक्ष कुक्षा रक्ष कुलेश्वरी सनोरक्षन् महादेवे मनः शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणि नाभौषु कामने रक्ष गुह्यं गुहेश्वरे तथा भूतनाकाभिकामेढ्यं कृते महिषवाहिनि घट्यं भगवति रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकाममृदायणि गुल्भ्योरुणारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु शिरक्ष पादाधस्तरवासिनि नखान्दष्टाकराले च केशांशैवोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कोबेरे त्वजं वागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामास नस्य मेधासि पार्वति मन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं कामनुटेश्वरि पद्मावदे पदाकोशे कभे चूडामणे सदा ज्वालामुखे नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्येश्वरे तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षं मे धर्मधारिणि प्राणापानाधाव्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु भाराहि धर्मं रक्षतु वैश्ववि यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षन् महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मीं विजया सर्वधास्थिता रक्षाहीनं दुर्यस्थानं वर्जितं गवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु यदेच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतौ नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्रापाप्यनेश्वरं परमेश्वरमतुलं प्रापस्ते भूतले भुवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्येतु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः भुवान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविधुर्लभम् यापठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां सद्यान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षसंसर्गम् अवमृत्यो विभाजितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः सावरं जङ्घमं चैव कृत्रिमं चाभियन्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाशोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला ढाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षतराघोरा ढाकिन्यक्ष महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डाभैरवाधयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संसते मानवृतिर्भवेद्राज्ञस्तेजावृद्धिकरं वरं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे संसतीं चण्डं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्त स शैलवनकारणं तावत् तिष्ठति मे धन्या सन्ततिः पत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ
अथ अर्गल स्तोत्र ओम अस्य श्री अर्गल स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषे अनुष्टव छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा भीतये सप्तशते पाठं यत्रेन यवे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयदुहक ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शुभा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्तुते जय तन्धे चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वे देवे कालरात्रे नमस्तुते मधुकैटव विद्राभिधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो जयहि दुशो जयहि महिषासुरनर्णासे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो जयहि दुशो जयहि रक्तबीजावधे देवे चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि दशो जयहि दुशो जयहि शुम्भसेवन शुम्भस्य धूमरक्षसमर्धने रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि अजन्तरोपचरते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि नदेभ्यः सर्वधा भक्त्या चण्डिके धृतापहे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि सुभद्रो भक्तिमूर्वङ्कं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि चण्डिके सुरसंज्ञकम् अर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि विधेहि दुष्टानाशं विधेहि बलमच्छकैः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्भिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनगुरु रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि प्रचण्डदैत्यधर्वग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्रा संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संसुते देवि शश्वभक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि हिमाचल सुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दत्तधर्वविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि देवी भक्तजनोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणे दुर्गसंसार सागरस्य कलाधुवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठ नरः स तु सप्तशति सङ्ख्या धर्मापनोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन यमे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै
ज्ञान देहाय त्रिवेदेभ्यचक्षुषे श्रेयाप्रातनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमे तद्भियानीयान् मन्त्रानामभिकीलकम् सौभिक्षेममवाप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्धम् कुजाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुभृताम् देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्राणाशसम् तत्र न किञ्चिदविद्यते विना जाप्येण सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कादिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदंशुभम् स्तोत्रवेश्चण्डिकायास्तु तच्च उक्तम् चकारसः समाप्तेर्न च पुण्यस्य तां यथा विन्नियन्त्रणा स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानशेषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलाम् विधायेन नित्यम् लभति सल्फुटम् सा सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न च वापणतस्तस्य भयम् वापि ह जायते नापमृत्योपशं याति मृता मोक्षमवाप्नुया ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा न विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते भुजैः सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनालने यत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शुभम् क्षणेस्तु याप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्बत्तरुच्यतेः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यालोक्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्चने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र अविगिरिनन्दिनन्दिनि विश्वविनाशनिनन्दनदे हरि जगदम्बकदम्बकदम्बनप्रियवासनि आसरते शिखरि शिरो मणिकुङ्कैमालय शृङ्गनिलालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गन्धम् कैटव बन्धनि आसरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते हरि शतकण्ड विकण्ड तरुण्ड विधुन् Oh.
I'm
अब अंतिम काले लास्ट पेज मार से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निश मया दासाय मिलामस्व क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों के आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजन्य के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, माँ की अर्चना करने का, पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में जो भक्त ने इस प्रकार से
इसमें जगजन्य के शरणक धोकर के माँ भगवती की साधना करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ भगवती के चरणों को प्रतिदिन निज पूर्वक जो है नमस्कार करते हैं। इसमें जगजन्य के उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बन जाती है और जो भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल उन शरणार्थ भक्तों की रक्षा करती हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाले हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है। हे भगवती, हम आपके दरबार में आए हैं, आपके चरणों में बैठे हैं। हे भगवती, हम भक्तों की रक्षा कीजिए, हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके सब ओर से आप हमारा कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देवेश्वराहि नमो देवे दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपके चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार। तो भगवती के जो शरणक धो जाते हैं, माँ के शरणक धो करके भगवती का ध्यान करते हैं, जब भगवती उनको सभी भयों से मुक्त कर देती हैं, वे माँ के सिंह की तरह निर्भय होकर के अपने कार्य प्रवृत्त होते हैं और सब ओर से वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस जगजन्य के वास्तव जिन पर कृपा हो जाती है, जब भगवती प्रसन्नचित होकर के उन शरणार्थ भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती हैं और जिन भक्तों की देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। हम जो देव आराधना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ के दरबार में आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका जी फल होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और देव कृपा से जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं। और जिन भक्तों की देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उनका कहीं भी अमंगल ही होता है, उनके बुद्धि में कोई विकृति नहीं आती, वे कभी धर्म से विचलित नहीं होते, बस सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। यदि कोई जीवन कष्ट आ भी जाए, विपत्ति आ भी जाए, कोई परेशानी आ भी जाए, तो उसका भी पता नहीं चलता वह आई कैसे और चली कैसे गई, क्योंकि उन शरणद भक्तों पर हमेशा जो है वो जगजन्य का जगत माता का जो है आशीर्वाद बना रहता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो घर गृहस्थ में रहते हुए जो है अपने परिवार में रहते हुए जो है भगवान की साधना करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो उनसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उन आशीर्वाद से उन भक्तियों का जो है जीवन जो है सुखमय बन रहते हैं, उनमें कभी विघ्न बाधा नहीं आती, कोई विघ्न आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता है वह कैसे विघ्न आए और कैसे चलेगी। एक व्यक्ति जो है एको जन तारेते कुटुंबम, परिवार में एक जन भी जो है यदि भगवान की भक्ति करता है, सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पूरा कुटुंब जो है तर जाता है, उस परिवार को, उस कुटुंब का ही जो है कल्याण हो जाता है, कुल का कल्याण हो जाता है। परिवार में एक जन भी यदि भक्त है, देखिए प्रहलाद जो है दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ और दैत्य कुल में उत्पन्न होकर के भगवत भक्त हुआ और जिसने अपने पूरे कुल को ही तार दिया। भगवान ने तो जहां तक उसे वरदान देते आशीर्वाद देते हुए तहसा कहा कि बेटा तेरा जी कुल तो क्या सात पीढ़ी पीछे की पास सात पीढ़ी आगे की भी जो है तेरी तरगे 21 पीढ़ी जो है तेरी तरगी। तो परिवार में जो है एक जन एक सदस्य भी यदि भगवान का भक्त होता है तो देव आशीर्वाद से जो उनका कुल ही जो है तर जाता है। ध्रुव हुए हैं, ध्रुव जो है जी भगवान के भक्त हुए, भगवान के शरणक हुए, माँ से उपदेश मिला और माँ का उपदेश जो है
वह भगवान की भक्ति करने के लिए घर से निकले और रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए और उनसे दीक्षा मंत्र मिल गया भगवान की साधना कैसे करनी, क्योंकि जब हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी को किसी संत को भेजेंगे या किसी प्रकार से मार्गदर्शन कर देंगे आपका। आप एक बार एक कदम बढ़ाइए, दसी एक कदम जब साधु जी आगे बढ़ते हैं भगवान अपने आप अपने पास से बुला लेते हैं। एक बार शुरुआत कीजिए, आप माँ के दरबार में आते विचार करते घर में माँ के दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा, और इस प्रकार से भगवती ऐसी कृपा हो जाती पता नहीं चलता माँ के दरबार में आए और फिर वही एक निज बन जाता है। अब तो मैं हर महीने आऊंगा, हर महीने आऊंगा, हर वर्ष आऊंगा, हर मंगलवार को आऊंगा, तो इस प्रकार हर सप्ताह जो आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो ये सब करने वाली कौन है? भगवती। इसकी कृपा होती है जी जो है अंदर जो है जो ज्ञान ज्योति जागृत होती है, मुझे सत्कर्म करना है, भगवान की साधना करनी है, इसी में मेरा कल्याण निहित है, यही वास्तव असली धन है जो मेरे साथ जाने वाला है। तो ध्रुव को जो है देवर्षि नारद जी मिले और इस प्रकार ने दीक्षा दी, बेटा इस मंत्र के द्वारा भगवान की साधना कर रहे ना, तो सच्चे हृदय से जब भगवान की साधना की और 6 महीने में जो है ध्रुव ने जो है भगवान का साक्षात कर लिया। धन्ना जट जो है जे कुल में जो है एक जे परिवार में भक्त हुआ, पूरे कुल को तार दिया और भगवान का साक्षात कर लिया। जो होती है अपने इस देव के प्रति अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, तो गुरुदेव ने जैसा उस ब्राह्मण ने उसे बतलाया कि इस प्रकार से स्नान करवाना है, भगवान को भोग लगाना है और इस प्रकार पहले भगवान को भोजन करवा के फिर स्वयं भोजन जो प्रसाद जो ग्रहण करना है, उससे जो सिद्धि प्राप्त सच्चे हृदय से भगवान की साधना की तो कुल तर गया। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं। इसी संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं, कुल तारणी बहु। कहते हैं कि एक नगर सेठ थे, बड़े ही धनवान, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु महाकंजूस था, धन आए पर जाए ना नहीं। बस जीवन एकत्रित ही किया जैसे कैसे भी हो, और इस प्रकार से कहीं भी ना धर्म कर्म में ना किसी परोपकार में कहीं उनके धन का प्रयोग हुआ ही नहीं जीवन में। एक उनका पुत्र था, भाई उसी तरह से ही महाकंजूस, और सेठ जी जैसे कंजूस थे और उनकी सेठानी भी उससे भी दो रत्ती ऊपर। कहते हैं कि तराजू में तोलने कौन बड़ा है, कौन कम है, कौन बड़ा है, जान नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से इतने कंजूस थे, बेटे का विवाह हुआ, घर में बहू आई, और जो बहू जो थी वे अच्छे कुल की थी। जब प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है देव आराधना होती थी, भगवती की आराधना होती थी, माँ तुलसी की प्रतिदिन पूजा होती थी, गौ माता की पूजा होती थी, ऐसे संस्कार बचपन में ही उस बच्ची को मिले थे और निज बन चुका था, क्योंकि जब व्यक्ति निज बना लेता है तो फिर उसके बिना पे रह नहीं पाता, ऐसा उसको नशा हो जाता है। जब तक वह काम करे नहीं तब तक उसको चैन आता नहीं। तो प्रतिदिन जो है प्रातःकाल जल्दी उठने का ऐसा स्वभाव बन चुका था, स्नान करना, फिर जो है भगवान की पूजा आराधना करना, भगवती की आराधना करना, आरती करना, माँ की जोत जगाना, तुलसी माता की पूजा करना, उससे जल से संचित करना, जल चढ़ाना, और इस प्रकार से जोत जगाना, प्रतिदिन का जो निजम बन चुका था उस बच्चे का जो है। तब जो जिस कुल में आई और वहां पर जिस सब जो है ऐसी परंपरा नहीं थी, उसके परिवार में जो परंपरा थी, जिस घर में जो विवाह कर कर गई उस घर में जो कोई जोत जगाना, क्योंकि घी लगेगा तो पैसे से आएगा, ऐसी बात नहीं, मैं कोई पुरानी बात बतला रहा हूँ, जो पूर्व काल की जो भी जे दृष्टांत मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आज भी ऐसी बातें हैं। ऐसे भी कुछ ऐसे कुल हैं जहाँ पर जो परंपरा नहीं है कि प्रातः उठ करके स्नान करके जल्दी जो है हम भगवान की जोत जगाएं, धूप बत्ती करें, बिल्कुल नहीं, स्नान भी दोपहर के 12 बजे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब वहां पर आकर के देखा कि सारा उल्टा था, परेशान होने लगी, जहां पर तुलसी का पौधा भी नहीं है घर के अंदर, कहां पर पूजा करूं, जो जगाऊं। तो सासु माँ ने कह दिया कि जहां पर जी ऐसी कोई परंपरा नहीं है, आप जो है अपने घर का जो सिस्टम वहीं पर रखो और जहां का निजम है इसको करो, किसी को कभी कोई दान नहीं देना है, कोई भिखारी आ जाए द्वार पर जो है तो कुछ भी नहीं।
तो इस प्रकार से मैं बड़ी परेशान हुई, इस कुल का कल्याण कैसे होगा। मैं विचार करती है कि ससुर जी तो इतने सेठ हैं, धनवान हैं, ये पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, ये संचित पुण्य हैं जो इस जन्म में उसका भोग कर रहे हैं, उसका फल जो भोग रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा? आगे कुछ भी नहीं। आप बैंक में जो है पैसा जमा करवाते हैं, आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, निकलवाते हैं, निकलवाते जाते जमा फिर करवाते नहीं, तो एक दिन क्या होता है, बैंक खाता खाली हो जाता है। फिर जाते वहां से कुछ मिलता नहीं, तो मैनेजर साहब से पूछते हैं, महाराज मुझे पैसे नहीं मिले, मेरे खाते में पैसे नहीं आए। तो उन्होंने कहा अब तो समाप्त हो चुके हैं। ऐसे जो हमारे संचित पुण्य होते हैं, जब तक संचित पुण्य है तब तक आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। पुण्य समाप्त हुए तो फिर व्यक्ति अधोगति को प्राप्त हो जाता है, दुख ही दुख। तो हमेशा जो है हमारा जीवन सुखी बना रहे, तो उसके लिए यही है कि प्रतिदिन जो अपना निजम बना ले भगवान की साधना, भगवान की आराधना, भगवती का स्मरण जो है, भगवती को प्रणाम, बड़ों का आदर सत्कार, बड़ों को प्रणाम, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो जीवन यात्रा सुखमय बनी रहेगी। जो लोग भी जो सुखमय होगा, पर लोग भी कल्याणमय हो जाएगा। तो मैं बहु विचार करने लगी कि इस कुल का जो है कल्याण कैसे होगा। मैं तो इस कुल में हूं तो मैं इसी कुल की होगी, तो कैसे भी हो ये उद्धार होना चाहिए इनका जो है। अब कंजूस बड़े हैं, स्वभाव को वह जान गए, सासू माँ का स्वभाव कैसा है, पर देव का स्वभाव कैसा है, ससुर का स्वभाव कैसा है, सारे स्वभाव को उसने जान लिया। तो एक दिन जो है सासू माँ से कहने की, माँ तुलसी माँ की पूजा करने से जो है घर में रिद्धि सिद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है, धन की कोई कमी नहीं आती, धन में और अधिक वृद्धि होती है। सासू ने पूछा कि उसमें खर्च कितना होगा, तो उसी माँ की पूजा में खर्च कितना होगा। तो बहू ने कहा कि माँ एक कोड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुलसी का पौधा लगाना है और जो है बस उसको जल से सींचना है, तो कुछ भी नहीं उसमें खर्च, तो कुछ होगा नहीं। तब जो है उसने कहा कि फिर ठीक है, नौकर से कहा कि ठीक है, कहीं से तुलसी का पौधा मंगवा लिया, गमले लगा करके, अब जो है बहू जो है प्रतिदिन वहां जा करके उसको जल से सींचती है, धूपबत्ती करती है, तुलसी माता की आरती करती है, और पर देवी को उसके पेशे आ जाते हैं। पेशे आ करके क्या करते हैं, वह आरती करते हैं परंतु उसकी नकल करता, उपहास करता है, जो देवदासी है तो मजाक लेता है। कुछ दिन ऐसे बीता, धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ गई, क्योंकि जब कोई संगत करता है तो अवश्य जो है पूजा पाठ का प्रभाव होता है, देव कृपा हुई, अंतक अंतरा शुद्ध हुआ, तो वह भी उसको आनंद आने लगा आरती में, तो वह भी तुलसी माँ की आरती उसके साथ साथ करने लगा। समय बीता, इसका चलते चलते एक दिन जो है अमावस्या का दिन आया, सभी लोग गंगा स्नान, बहुत सारे लोग जो है अमावस्या लगाए थे, गंगा स्नान करते हैं, बड़ा महत्व होता है गंगा स्नान करने का। अमावस्या के दिन जो है यदि गंगा स्नान कर सके तो घर में एक बाल्टी में जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल करके गंगा मैया का ध्यान कर करके स्नान करना चाहिए, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और साधक जो है कल्याण को प्राप्त होते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं जिनमें किए हुए सत्कर्म पुण्य कर्म जो है स्नान दान ध्यान जो है भगवान का स्मरण जो है इसका अनंत गुणा फल होता है, और विशेष तिथियों में तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तब जो है बहू कह लें कि माँ आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, बड़ा ही उत्तम दिन है, सभी लोग जो है गंगा स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, पर लोग सुधरता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन लक्ष्मी प्राप्ति होती है, कारोबार में भी वृद्धि होती है, तो हम भी गंगा स्नान करें। गंगा माँ दूर नहीं थी उनके घर से, कभी स्नान नहीं किया, बहुत सारे ऐसे होते तीर्थ पर रहते हुए भी वर्षों बीत जाते स्नान किए हुए। तो जो है तब उसने फिर पूछा कि वहां पर स्नान में कितना खर्च हो जाएगा वहां जाने में, तो कहा कि कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं, कोड़ी नहीं, कोई खर्च नहीं होगा। तो कहा कि ठीक है चलो, चल पड़े। अब बहुत तो जानती थी कि माँ इतनी कंजूस है, तो उसने विचार किया ऐसे स्थान पर स्नान किया जाए जहां पर कोई भिखारी ना मिले, कोई भिक्षुक ना मिले,
तो मैं कहीं दूसरी ओर जाकर के जो है लोग जो दूसरी ओर स्नान करें, वहां तो भिखारी होते भिक्षु लोग स्नान करते आते हैं, तो वही भिक्षा के लिए बैठे होते सभी जो है दान पुण्य करते ही, लेकिन उन्होंने ऐसे स्थान पे ही स्नान किया जहां पर कोई भिखारी नहीं था। अब जो है माँ गंगा का जब स्नान किया तो सासू माँ की बुद्धि जो है शुद्ध हुई, शुद्ध हुई, मन विचार आया कि हर पर्व में जो स्नान करना चाहिए, हर अमावस्या को स्नान करें, निज बना लिया, बन गया निज बार एक बार ही जाने से। अब जो है इस प्रकार से परिवार में थोड़ा थोड़ा जो है धर्म कर्म जो है ये होने लगा। अब एक दिन देवयोग से जो है उनके द्वार पर जो है एक संत जो है वह आ गए भिक्षा के लिए, गेट पे खड़े हो गए और भिक्षा के लिए पुकारा, भिक्षम देहि, कि संत को भिक्षा दो, और गेट पे वह खड़ा हो गया आवाज लगा करके। अब अंदर से कोई बाहर निकलता नहीं, ऐसा निजम था उस घर का। बहू जो देख करके जो उसने सोचा जे साधु जो है जे महात्मा जो गेट पर जो खड़ा रहेगा और जहां को तो निजम नहीं है किसी को देने का कुछ, तो मैं बाहर गई और जाकर संत महाराज जी कहने लगे, महाराज जहां की किसी को देने की जो परंपरा नहीं है, भिक्षा देने की परंपरा नहीं है। तो उसने कहा कि परिवार के लोग खाते क्या है, तो उसने कहा बासी रोटी। तब तो संत ने पूछा, बेटी तेरी उम्र क्या है, आयु कितनी है, तो उसने कहा 16 वर्ष, 16 वर्ष बतलाए। तब तो उसने कहा कि तेरे पतिदेव की कितनी आयु है, महाराज 3 वर्ष। तेरी सासू माँ की कितनी आयु है, महाराज 6 महीने। और तेरे ससुर जी की कितनी आयु है, वे अभी पैदा ही नहीं हुए। बोल सच्चे दरबार की जय। वे अभी पैदा ही नहीं हुए। सास माँ पीछे से सुन रही थी, ये क्या बोल रही है, अपने घर के कैसे और कैसे जी कह रही है, मुझे 6 महीने की बतलाती है और राम राम राम, ससुर के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अब जो है बहू जो है अंदर आ गई। अब सासू माँ को बड़ा बुरा लगा संत के साथ ऐसी बातें कि इसने संत महाराज जी हैं आशीर्वाद देकर चले गए कि आपका कल्याण हो। इतने कह करके संत महाराज जी उनके द्वार से खाली चले गए, परंतु आशीर्वाद दे गए। और ध्यान रखना जीवन में, आज जिस किसी को देते हैं जो हृदय से वह आशीर्वाद देता है वह अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन किया जा सकता। जो हृदय सीधा मिलते हैं उससे कुल तर जाता है, कुल का कल्याण होता है। संत महाराज जी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा कल्याण हो। अब जो है मध्याह्न का समय आया, ससुर जी घर पे आए, सासू माँ जो है भोजन करवाने लगे, थाली रखी भोजन की और पास बैठकर पंखा करने लगी और धीरे धीरे बातें करवाने सुनाने लगी बहू की। देखिए महाराज, बहू तो इस तरह बातें करती हैं कि हमारे घर में जो परंपरा ही नहीं है किसी को दान देने की। साधु आया था ऐसे उसके साथ बातें कर रही थी। फिर उसने पूछा कि तेरी आयु कितनी है, तो इसने कहा कि मेरी 16 साल आयु है। इसने पूछा तेरे पति की आयु कितनी है, संत ने जब पूछा इसने कहा उसके तो 3 वर्ष है। जब मेरे लिए पूछा कि सासू माँ की कितनी उम्र है, तो कहने लगी 6 महीने। और फिर महाराज आपके लिए तो बताओ ही क्या राम राम, आप तो पैदा नहीं हुए, ऐसा बोल दिया। अब जो है ससुर को ही क्रोध हुआ किस प्रकार से कह रही है। तब जो है बहू को बुलाया और कहा कि आपने ऐसा कहा। अब उसने परंपरा थी घुंघर निकालने की, घुंघर निकाला हुआ है, ससुर के सामने बहुएं बोलती भी नहीं थी, बात भी नहीं करती थी। तब उसने कहा, विचार करने लगे, अब किस न किस तरह से इस कुल का कल्याण तो करना ही है। ससुर जी से कहने लगे कि ससुर देव, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं बचपन से जो है हमारे परिवार में जो है भगवान की आराधना अर्चना पूजा पाठ से सब होता था, तो बचपन में ही जैसे मैंने होश संभाल ली और मुझे ऐसे ही संस्कार मिले, ऐसा वातावरण मिला, मैं उस वातावरण में पली हूं। और जहां पर आकर जब देखा जहां पर कुछ भी नहीं था, जब मैंने शुरुआत की तुलसी माँ की पूजा से, तो मेरा पति भी जो है मेरी नकल करता था, मजाक लेता था, देवदासी कहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी जो है ऐसी कृपा हो गई, वह भी पूजा करने लगा, माँ की आरती करने लगा।
अब जो है 3 वर्ष हो गए हैं उसको मेरे साथ पूजा पाठ करते हुए, तो 3 वर्ष ही उसकी आयु हुई ना। मुझे 16 वर्ष हो गए जब से पैदा हुई हूँ, बचपन से ही मुझे जो है माता पिता ने जो संस्कार दिए। सासू माँ को भी 6 महीने हुए हैं माँ गंगा की आराधना करते हुए, स्नान करते हुए, इस प्रकार इसकी तो 6 महीने असली यही। और आपके लिए आप खुद ही तो ससुर समझ गए। और जहां तक जो ध्यान की बात है, पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जो पुण्य संचित होते हैं, इस जन्म में उसका भोग करता है व्यक्ति। भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी अच्छी बात है, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु आगे के लिए। अब जो है ससुर को थोड़ी होश आई, उसने कहा बात तो बहुत ठीक ही कह रही है, कृपा होगी, क्योंकि परिवार में जहाँ पूजा पाठ होता है वहां सात्विक बुद्धि आती है, देव देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसकी बुद्धि जो है सात्विक हुई, सात्विक विचार आए, बहुत ठीक कह रही है कि हमें भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। आप सेठ जी ने कह दिया कि आज से जो भी जो है कोई भिक्षु भिखारी आए तो सबको भुनने होंगे चने, जो है एक मुट्ठी चने दान किए जाए, आज्ञा होगी। आप प्रत्येक दिन जो चने दान होने लगे, भुनने होंगे, तो दान जो है चलते चलते महीना बीत गया। अब जो है बहू ने सोचा कि चने ही जो है दान किए जा रहे हैं, अब ऊपर जाकर चने ही खाने पड़ेंगे, वो तो कुछ मिलेगा नहीं। तब जो है एक दिन ससुर जी जब भोजन करने के लिए आए दोपहर को, तो उसने थाल से जा करके ऊपर वस्त्र डाला, निजम था, इस तरह से वो भोजन करवाते ससुर को, तो बीच में भुने हुए चने डाल दिए, भर दिया उसको। अब जो ससुर के थाल रखा, और थाल रखने के उपरांत जब जो है ससुर भोजन करने भूख लगी थी और कपड़ा उठाया ऊपर से, तो नीचे देखा चने भुने हुए। आग बोला हो गए कि मेरे साथ क्या मैं यह किया, मुंह में दांत नहीं है, चने खाऊंगा कैसे। तब जो है अब उसने कहा कि ये क्या किया, बहू आकर कहने लगी महाराज इतने दिन हो गए चने का दान करते हुए, और उस लोग में भी इतने चने इकट्ठे हो चुके हैं, तो वहां जाकर यही चने ही खाना पड़ेंगे, तो इसका अभ्यास यदि पहले से किया जाएगा तो अच्छा रहेगा, वहां पर चबा तो सकेंगे। तब जो उसने कहा कि बात तो ठीक ही कह रही है, फिर आज्ञा हुई कि भिक्षु को जो है सब प्रकार का दान किया जाए, अन्न दान, भोजन करवाया जाए। इस प्रकार से वह कुल दूसरा बहू के आने से जो है ऐसा जो है वह सात्व हुआ, ऐसा भगवत भक्त हुआ, कुछ कल में जो है कुल में रिद्धि सिद्धि होगी। फिर इतना नहीं, नगर के लोग जो है आप सेठ का यशोगान करने लगे, तो सत्कर्म करने से क्या होता है मनुष्य का यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, तो नगर में जो है सब उनका यशगान करने लगे कि नगर सेठ जो है कितने पुण्यात्मा है, प्रतिदिन जो है पुण्य कर्म करते हैं, भूखों को भोजन करवाते हैं, जो वस्त्रहीन उनको वस्त्र दान करते हैं, इस प्रकार से ये कितने अच्छे हैं। बोलो सच्चे दरबार। तो परिवार में एको जनस तारेते कुटुंब, तो पूरे कुटुंब का जो है परिवार में यदि एक भी भगवत भक्त होते हैं, पूरा कुटुंब जो है पूरा कुल जो है तर जाता है, वह कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की आराधना जप पाठ ये जो है इसी से वास्तव में जो व्यक्ति का इहलोक और परलोक भी जो है सुखद होता है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जब भक्तों के आरती परम पवित्र वेला में आज मंगलवार के दिन माँ के चरण बैठ करके भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समय अधिक हो चुका है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन से सहयोग देना शामिल कर बोला ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा श्री राम वालिदास दरबार वो तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, मां तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, वो डर लागे मां डर लागे, डर लागे मां डर लागे, डर लागे मां डर रूप मां तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल
हाथ को लगाइए ढीले ताले नहीं, एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर दे करें। बागों में तू फिरे अकेली, 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 खुल गए तेरे खुल गए तेरे खुल गए सिर के बाल काल का डर लागे, खुल गए सिर के बाल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे। जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, शिष मैया तेरे टीका सोहे, 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 तेरे मुँह में है, तेरे मुँह में जीबा लाल काल का डर लागे, मुँह में जीबा लाल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, गल मैया तेरे हर बात सोहे, मैया तेरे हर बात सोहे, बड़ी मुंड की माल काल का डर लागे, तेरे बड़ी मुंड की माल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, हाथ मैया तेरे चूड़ा सोहे, हाथ मैया तेरे चूड़ा सोहे, हाथ मैया तेरे चूड़ा सोहे, तेरी मेहंदी करे कमाल काल का डर लागे, मेहंदी करे कमाल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, कमर तेरे मैया तगड़ी सोहे, मैया तेरे तगड़ी सोहे, कमर तेरे मैया तगड़ी सोहे, मैया तेरे तगड़ी सोहे, तेरा गुच्छा घुंगर धार काल का डर लागे, रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे, ओ जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, जय हो, जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, पायल सोहे, पाँव मैया तेरे 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 पायल सोहे, चले क्रोध में चाल काल का डर लागे, क्रोध
डर लागे तू चले क्रोध में चाल काल का डर लागे तू चले क्रोध में चाल काल का डर लागे तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे तेरा रूप बड़ा विकराल काल का डर लागे ओ डर लागे माँ डर लागे जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय तभी बोल सुग्रीव श्री जी जयकारा शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय तैनू चेते कर कर रोवावा हंजुआ दे हार परोवावा तैनु चेते कर कर रोवावा हंजुआ दे हार परोवावा तैनु चेते कर कर रोवावा हंजुआ दे हार परोवावा इक आसिरा तो दिल बिच आसिरा तो दिल बिच कर सजदे चरनी जागे मां सन मंदरा बिच देखा दाती अस किसे भी नुकरे बह जागे सन मंदरा बिच देखा दाती अस किसे भी नुकरे बह जागे सन मंदरा बिच देखा अंबे तैनू चेते कर कर रोवावा हंजुआ दे हार परोवावा तैनू चेते कर कर रोवावा हंजुआ दे हार परोवावा इक आसिरा तो दिल विच आसिरा तो दिल विच कर सजदे चरनी बह जागे सानू मंदरा बिच देखा दाती सानू रस्ते पा
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਦਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਰੋਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਰੋਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲਿਖਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਜਦੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਦਾਤੀ ਬਦਲ ਦਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਫਕੀਰਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦਾਤੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦਾਤੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਰੋਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਰੋਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਰੋਵਾਂ ਇਕਾ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਜਦੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਦਾਤੀ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਇੰਬੇ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਇੰਬੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਇੰਬੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਇੰਬੇ ਤੇਰਾ ਬਚਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਅਰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇੰਬੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇੰਬੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਾਇੰਬੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾਤੀ
तू सुख दे चाहे दुख दाती आती हस दे हसदे सजागे सलूंदर बिच देखा दाती कर कर रोवा हंजुआ दे हार करो मामा तेनु चेते कर कर रोवा हंजुआ दे हार करो मामा भिखा चिरात दिल बिचे सजदे चरनी बजागे हे मां हंजुआ बिच देखा दाती जयकारा शेरा वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। तू जाने महारानी तेरिया तू जाने महारानी तेरिया तू जाने मौजा लेंदे चल बलले तेरियां कीतियां कौन थल्ले मौजा लेंदे चल बलले भुखे मरन सियाने तेरिया तू जाने 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 खुले पंडारे इक पाए भुखे फिरन बिचारे इक पाए भुखे फिरन बिचारे इक नानू दे खुले पंडारे इक नानू दे खुले पंडारे इक पाए भुखे फिरन बिचारे इक पाए भुखे फिरन बिचारे खान मिलन न दाने तेरिया तू जाने खान मिलन न दाने तेरिया तू जाने खान मिलन न दाने तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने मारा तेरी
ਸਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਰ ਵੀ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਰ ਵੀ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਰ ਵੀ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਨਾਰਦ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੰਨਣ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ 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 ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਾਈ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਾਈ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਾਈ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਾਈ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਸਿਆਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਸਿਆਣੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਸਿਆਣੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਤੇਰਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਆਜ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆਜ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆਜ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਆਜ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰੋੜ ਸਿਰਹੰਸੇ ਭ੍ਰਮਤ ਜਗਰਣੇ ਦਕਸ਼ਣੇ ਕੋਟ ਸੋਤਰਾ ਬਹਾਮੇ ਹਸਤ ਦਿਭ੍ਯਾਮ੍ਰ ਕਣਕਮਯਮ ਪੁਸਤਕਮ ਜਨ ਗਮਯ ਸਾਭਿਨਾ ਭਾਧਯੰਤ ਸਵਕਰ ਕਰ ਜਪੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕ੍ਰੀੜੰਤ ਦਿਵਿਰੂਪ ਕਰ ਕਮਲ ਧਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ
ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਕਾ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤ ਸੰਵਤ 2074 ਦਕਸ਼ਣ ਦਕਸ਼ਣ ਗੋਲ ਹਿਮਤ ਰਿਤੂ ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਸ ਕੇ ਆਜ 22 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਕਸ਼ ਆਜ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਦਨੁਸਾਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2017 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਆਰਤੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਭਕਤ ਜਨੋ ਕੋ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਕੰਪਾ ਸੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ। ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮ ਹੀ ਜਾਂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਆਜ ਇਸ ਆਰਤੀ ਪਰਵ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਆਜ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੈ ਅੰਗਾਰਕੀ ਚਤੁਰਥੀ ਜੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀ ਜੋ ਹੀ ਔਰ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿਘਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇਵ ਹੈ ਸਭ ਵਿਘਨੋ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਐਸੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਥੀ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਕਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਿ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤਤੇ ਭਾਨੇ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਚ ਸਸਵੀ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਨੇ ਭਵੇ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਨੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਦੈਰੀ ਦਰਬ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਕਸ਼ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭਰ ਪਾਦ ਪੁਨਰਤਹ ਸਰਵਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਸੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇਸਤ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ ਆਰੋਗਯਮ ਅਵਿਦਾਤ ਸ਼ੋਮਾਨ ਮਹੀਯਤਿ ਧਨਮ ਧਾਨਯਮ ਪਸ਼ੂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭਮ ਸਤਸਮਸਰਮ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤ ਦੀਰਘਮਾਯੁ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸਮਨਿਤ ਕਰੇ ਸਭ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਸਹੀ ਭਕਤ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋਏ ਓਮ ਜੈ ਓਮ ਜੈ ਗਰੇ ਮਈਆ ਜੈ ਓਮ ਜੈ ਓਮ ਜੈ ਗੋਰੇ ਕਾਨਨ
इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे धर्म की जय। प्रेम से बोलो
भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे। संभल कर बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया च बहर चो सतगणी यो चरणा दा जान, जय Thank you.
खड़गं चक्रगरेषु जापवलिदां शूलं भुशुण्डिं चिरां सन्दधरीं करेत्नैनं सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाश्मज्जिमासपादशकं सेवे महाकालिकां जामस्तौ सविदे हरो कमलजो हन्तं मरुचेतवं कक्षाल्सर्वशङ्खलेशपुरुषम् परमन्दनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमशङ्गकर्मजलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पाठतु दर्शने चलति हस्ते प्रसन्नायनां सेवे सेवं वर्धने लक्ष्मी सरोजस्तुतां घण्टाशूलहलाभिषण्डमसुरे चक्रं तनुसायकं आचार्येतसिंहलान्तविलसं शीलाचुरुल्यापवां गौरीदेवसमप्रभां जगतां आधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनुमजे शुम्भादिदेवतायिनी तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मदेव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचतुजं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यावनमन्यं वन्दे विष्णो भगवानं सर्वलोकैकनाथं अस्तुतं केशवं रामनारायणं सुधामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरां चन्दं भजे हरे मुरारे मगेश हरे गोविन्द गोपाल मथन्ति चोरे ज्ञानं भजेहि शरणं भजेहि विद्या भजेहि भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी पञ्चफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला कन्न वाली माता तेरी सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी फुला चुका माफ करने वाली माता तेरी गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी लुमकड़ा भी खागो तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सत्तम महाभोगी सत्म नमन भाती
आशीर्वाद जो जो से ठीक है जो जो से नमस्ते।